नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। तो योगी सरकार एक्शन मोड में दिख रही है इस समय कि पेपर लीक को लेकर इन्होंने एक नई परीक्षा नीति लागू कर दिया है कि इस अकॉर्डिंग आपकी परीक्षाएं होनी चाहिए। तो योगी सरकार पूर्णतः एकदम एक्शन मोड में है कि जो भी ये नकल माफिया है, इनके जो भी एक तरह से बोला जाए इनका जो एम है उसको नाकाम किया जाए और परीक्षाओं में जो नकल हो रहे हैं उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए इन्होंने कुछ नीतियां बनाई हैं। चलो एक बार देख लेते हैं आज की ये पेपर कटिंग क्या हमसे कह रही है। साफ साफ देखें, स्टेशन से 10 किलोमीटर के अंदर होगा परीक्षा केंद्र। बहुत दूर आपका अब केंद्र नहीं बनाया जाएगा, कई जगह बहुत बीहड़ जगह पे भेज देता था बच्चे को खोजने में या जाते तहते लेट हो जाता था। तो स्टेशन से आपके 10 किलोमीटर की दूरी पर आपके परीक्षा केंद्र होंगे, ये ध्यान रखिएगा। एक बहुत बढ़िया फैसला लिया गया है, यहां बोला है भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने से रोकने की धांधली खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नई नीति जारी कर दी गई है। परीक्षा केंद्र बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या कोषागार से 10 किलोमीटर के अंदर होगा। इसके साथ ही केंद्र की 3 साल परीक्षा कराने का अनुभव होना चाहिए और शहर की आबादी के अंदर होना चाहिए। वहां जाने के लिए सड़क के साथ यातायात साधन की व्यवस्था हो, मतलब यातायात साधन हो, ऐसा ना हो कि आपको कहीं साधन ही ना मिले, ऐसा परीक्षा केंद्र नहीं होना चाहिए। और जो भी परीक्षा केंद्र चुना जाए कम से कम वो 3 साल तक परीक्षा कराया हो, इसकी भी बात यहां पर कही गई है। परीक्षा केंद्र के भवन में बाउंड्री वॉल, पेयजल, शौचालय के साथ ही बिजली एवं जनरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए। सीसीटीवी भी चालू हालत में होना चाहिए। डीएम की अध्यक्षता में समिति बनाकर परीक्षा केंद्र का चयन होगा। ये सभी कुछ इन्होंने ये नीति में बताया है। श्रेणी एक में राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज, राज्य एवं केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज को रखा गया है। श्रेणी बी में इसी श्रेणी के ख्याति प्राप्त सुविधा संपन्न एडेड स्कूल को कॉलेज केंद्र बनाया जाएगा। काली सूची एवं विवादित स्कूल एवं कॉलेजों को केंद्र नहीं बनाया जाएगा। जो भी विवादित है, जो भी ब्लैकलिस्ट है, उनको अब कभी भी सेंटर नहीं बनाया जाएगा। उसी से रिलेटेड यह है। प्रेस में मोबाइल ले जाने का पर प्रतिबंध है, ये ध्यान रखिएगा। प्रिंटिंग प्रेस चयन में पूरी तरह से गोपनीय बरती जाएगी। प्रेस में आने जाने वालों की जांच होगी। सभी के पास आईडी कार्ड होना अनिवार्य होगा जहां पेपर छपता है आपका बेसिकली, ठीक है। अब उसके बाद सभी के पास आईडी कार्ड होना अनिवार्य होगा। प्रेस में स्मार्टफोन और कैमरा ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। प्रेस के चारों ओर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा और उसकी रिकॉर्डिंग 1 साल सुरक्षित रखी जाएगी। ये सब आपके नए परीक्षा नीति के लिए बनाए गए। जांच के बाद परीक्षा की अनुमति, परीक्षाओं के दौरान स्कैन, हस्ताक्षर एवं फोटो का मिलान परीक्षा केंद्र पर किया जाएगा। परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र पर ही आधार कार्ड और बायोमेट्रिक से मिलान किया जाएगा। यह सब तो होता था लेकिन अब सही तरीके से किया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र का आवंटन गृह मंडल से अलग किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, आपको गृह मंडल तो नहीं मिलेगा। लोग जो सोर्स लगा लेते हैं कि हमारा हमारे डिस्ट्रिक्ट में होगा तो वो चीजें खत्म हो जाएगी यहां से। परीक्षा केंद्र का आवंटन रेंडम आधार पर किया जाएगा कि किसी को कुछ पता नहीं रहे कहां मिलना है। टीचरों की ड्यूटी 30 मिनट पहले, कक्ष निरीक्षकों के परीक्षा कक्ष का आवंटन परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से 30 मिनट पहले किया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर 50% स्टाफ बाहर का होगा। परीक्षा केंद्र पर तैनात होने वाले कर्मियों पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर प्रतिबंध होगा। हर पाली के लिए कोषागार से प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका अलग अलग ले जाई जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। एजेंसी चयन में गोपनीयता, एजेंसी जो आपकी होगी उसमें भी क्या क्या है, एजेंसी का चयन अति गोपनीय तरीके से किया जाएगा। हर परीक्षा के लिए 2 या इससे अधिक सेटों के प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। यह ध्यान रखिएगा, एजेंसी की गोपनीयता तो वैसे भी नहीं पता चलती थी, तो अब उसको नहीं बताया जाएगा, कहीं भी उसका पूरा खुलासा नहीं होगा। इसीलिए लग रहा है कि ये लोग जो एजेंसी को अभी क्या किए, बैन किए हैं, ब्लैकलिस्ट किए हैं, अब इंटरनली उसको क्या करेंगे, नई एजेंसी चूज करेंगे, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि एजेंसी के बारे में किसी को कुछ बताएंगे नहीं। अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से तैयार कराते हुए अलग अलग छपवाया भी जाएगा। परीक्षा से 5 घंटे पहले ही किया जाएगा कि किस सेट का पेपर परीक्षा में इस्तेमाल किया जाएगा। जो भी सेट बनेगा उसका निर्धारण आपके कब पता होगा कि वो परीक्षा के 5 घंटे पहले ये बताया जाएगा कि सेट 1 कराया जाए या सेट 2 कराया जाए।
ठीक है, जो भी सेट बनता है उसके अकॉर्डिंग। यहां बोला यूपी में भर्ती परीक्षाओं की चप्पे चप्पे पर निगरानी, ये पूरा सेम चीज आपको वही बात है कि क्या है योगी जी का नीति, वो आपको मैं ये पॉइंट में बता दे रहा हूं साफ साफ शब्दों में कि प्रदेश में नई परीक्षा नीति क्या क्या है। ये भर्ती परीक्षा, ये ध्यान रखिएगा, एक भर्ती परीक्षा कराने के लिए चार एजेंसियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी, चार एजेंसी अलग अलग, कोई पेपर कराएगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, कोई सुरक्षा का काम करेगा, इसके बिहाफ पर परीक्षार्थियों को अपने गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना होगा। निःशक्तों और महिलाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं है, मतलब महिलाओं के लिए गृह जनपद मिलेगा, पीएच कैंडिडेट के लिए भी मिलेगा। आयोग और बोर्ड में ही ओएमआर सीट की स्कैनिंग कराई जाएगी। 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी। यूपीपीसीएस प्री पर यह नियम लागू नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि यूपीपीसीएस प्री पर यह नियम लागू नहीं है। बाकी किसी भी एग्जाम में अगर 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं तो वो 2 चरणों में कराई जाएगी, सिर्फ पीसीएस को छोड़ के। वित्त विहीन स्कूलों और कॉलेजों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा, जो अपना खर्चा नहीं उठा सकते कॉलेज और स्कूल उनको, या ब्लैकलिस्टेड जिन्हें कोई अनुभव नहीं है उन्हें परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह जैसे यूनिक बारकोड, क्यूआर कोड, यूनिक सीरियल नंबर डालने होंगे। प्रश्न पत्र लाने और ले जाने के बक्से को टेम्पर प्रूफ मटेरियल से पैकेजिंग होगी, मतलब कोई तोड़ ना सके, जैसे कहा गया था ना बक्सा तोड़ के पेपर लीक हुआ है। प्रश्न पत्र सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, जल्दीबाजी में उल्टा सीधा प्रश्न पत्र ना सेट हो जाए। परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। ओएमआर सीट 3 सेटों में होगी, मूल प्रति आयोग और बोर्ड के पास होगी, दूसरी सीलबंद कोषागार और तीसरी अभ्यर्थी को दी जाएगी। बेसिकली आपकी 2 होती थी, अब 3 आपकी होगी, जो ओएमआर की सीटें होंगी, जो एक आप लोग लेके आते थे और एक आपके वहां पर जमा हो जाती थी जो ओरिजिनल होती थी, अब 3 होगा, ये ध्यान रखिएगा। परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी के नियमित निरीक्षण किया जाएगा। परीक्षा के दौरान आयोग और बोर्ड किसी भी तरह के अफवाह का खंडन करेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर कुछ भी जैसे होता पेपर लीक हो गया, पेपर देते ही समय वायरल होने लगता है, तो वो बोला है कि परीक्षा के दौरान आयोग और बोर्ड किसी भी तरह के अफवाह का खंडन करेगा, ये कर सकता है। परीक्षा के दौरान एसटीएफ पुलिस के संपर्क में रहेगा। परीक्षा के दौरान कंट्रोल रूम से कड़ी निगरानी रखी जाएगी आपकी। ये सब चीजें आपके नई परीक्षा नीति में शामिल किया गया है। तो पूरी तरह पेपर लीक के जो मामले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे अभी हर स्तर पे बढ़ रहे हैं, राज्य हमारे उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पे तो है ही है, बिहार में भी TRE 3rd जो है पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश का कांस्टेबल RO का पेपर लीक हुआ, इधर नीट के पेपर को बच्चों देखिए जो कभी नहीं हुआ था आज तक इतिहास में वो हुआ, उसके बाद UGC नेट का पेपर लीक हुआ, मतलब लीक का तो सिक्वेंस चल रखा है। तो उसी सब को देखते हुए योगी सरकार पूरे एक्शन मोड में आई है और एक परीक्षा नीति जो है इन्होंने निकाली है कि इस नीति के तहत अब आने वाले परीक्षाओं को कराएंगे। तो हो सकता है कि अब जो पेपर लीक होता था उसमें कुछ सुधार होगा, अब देखते हैं किस हिसाब से सुधार होता है। मेन जो है किस स्तर पर पेपर लीक होता है ये सबको पता है कि कौन वहां तक पहुंच सकता है, तो उस पर भी कुछ करना चाहिए सरकार को। तो बाकी जैसा भी कोई अपडेट होगा मैं जरूर आपके समक्ष आऊंगा। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए।